चलिए अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर नदी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है। नमामि गंगे अभियान आज से शुरू हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बेतवा के उद्गम स्थल जीरी बहेड़ा से इसका शुभारंभ किया जाएगा। 16 जून गंगा दशहरा है, इस दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा। साफ सफाई, जल चेतना बढ़ाने के लिए ये गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। आपको बता दें, इस वक्त की खास और अहम खबर। बता दें आपको, साफ सफाई, जल चेतना बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश से इस वक्त की खास और अहम खबर, आज से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की जा रही है। सीएम ने बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर पूजन अर्चन कर इसकी शुरुआत करने का ऐलान किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बेतवा नदी के उद्गम स्थल झीरी बहेड़ा से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत करेंगे। आज पर्यावरण दिवस भी है और 5 जून से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की जाएगी। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं भोपाल से, उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र, जिस तरह से आज पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण बचाने के लिए कई तरह के संदेश पूरे देश भर में दिए जा रहे हैं, और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो नमामि गंगे अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि यह अभियान 16 जून तक चलेगा। क्या अपडेट है, कैसा रहेगा ये पूरा नमामि गंगे अभियान? सानिसा, बता दूं कि आपको, मध्य प्रदेश जो कि वन प्रदेश भी कहा जाता है और पर्यावरण के प्रति एक समर्पित प्रदेश रहा है, और इस लिहाज से जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है, जिसके मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने आज बेतवा नदी के उद्गम स्थल झीरी बहेड़ा से एक नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की है, और उन्होंने एक जल चेतना को विकसित करने के लिए जन आह्वान किया है, क्योंकि जिस तरीके से तालाब, झील, नदी और कुएं, बावड़ी, इस तरह की जो भी जल स्रोत हैं, उनकी साफ सफाई के साथ साथ जन सहभागिता के माध्यम से एक लोगों में जन चेतना विकसित की जाए, जिससे कि ये सभी पुनर्जीवित हो सके, और एक जो पानी की लगातार कई शहरों में कमी होती जा रही है, जो जल स्रोतों की कमी हो रही है, उस पे भी ध्यान दिया जाए। तो इसी के तहत ये आज नमामि गंगे के तहत ये 5 जून से, चूंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज से ये अभियान, और 16 जून को गंगा दशहरा है, तब तक ये जारी रहेगा। तो करीब ये 12 दिनों तक जो चलने वाला अभियान है, ये पूरे जारी रहेगा, और इस अभियान में सरकार हर दिन एक जन आह्वान को जगाने के लिए रोज नए नए कार्यक्रम करेगी अलग अलग जगहों पर, और इसमें सरकार के मंत्री भी हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आम जन को जोड़ने की बात कही गई है, क्योंकि बिना आम जन सहभागिता के ये कोई भी कार्यक्रम सक्सेस नहीं होता है, और इस बात को सरकार ने समझा है, इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को जोड़कर इस तरह के कार्यक्रम करने की बात कही है। जी सर, निश्चित रूप से धर्मेंद्र, जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सहभागिता इसमें काफ़ी नहीं है, आपने जैसा कि कहा कि आम जन की भी सहभागिता की सख्त आवश्यकता है, साथ में आज के इस नमामि गंगे अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, जिसमें कि मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इसमें सक्रिय भूमिका अदा करने की बात कही है, और जैसे कि आपने बताया कि जिस तरह से सघन पौधारोपण अभियान भी आज चलाया जाएगा, और जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और
पौधारोपण तो कर दिया जाता है धर्मेंद्र, पर पौधों को उनकी देखभाल की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। वे गर्मी के टाइम पे सूख जाते हैं, मर जाते हैं, और पौधारोपण करने के बाद उनकी जिस तरह से एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए, वैसी देखभाल उनकी हो नहीं पाती है, जिससे कि पौधारोपण का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। तो निश्चित रूप से ये अभियान जो है, एक सघन पौधारोपण अभियान जो आज से चलाया जाएगा, उसको लोग ध्यान देंगे, उसकी तरफ अपना रुझान दिखाएंगे। क्या टाइमिंग्स रहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम आज नमामि गंगे अभियान का शुरुआत कहां से होगी और कितने बजे पहुंचेंगे सीएम? जी, जैसा बता दूं कि ये कार्यक्रम बेतवा नदी के उद्गम स्थल झीरी बहेड़ा से होगी। अभी उस तरह की कोई टाइमिंग को नहीं कहा जा सका है, लेकिन संभवतः ये दोपहर के बाद इस तरह के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। और चूंकि आज मौसम काफी अच्छा है, और इस मौसम को देखते हुए भी आज विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर कई सारे एनजीओस, कई सारे ऐसे संगठन हैं, और खासतौर से सरकारी जो इनके कार्यक्रम है विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर, वो भी संचालित किए जा रहे हैं। और इसके लेकर अलग अलग तरह की कहीं पोस्टर पेंटिंग है, तो कहीं अलग समूह के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में करीब 44% वन क्षेत्र कम हुआ है जी। भोपाल में कभी 66% वन क्षेत्र हुआ करता था, आज घट के केवल 22% रह गया है। और ये अगर इस पे सरकार ने नहीं ध्यान दिया, तो एक संस्था की रिपोर्ट है कि ये 4% पर भी आ सकता है। और उसी का नतीजा है कि इस बार लोगों को ज्यादा गर्मी सहन करनी पड़ रही है, जो एक पृथ्वी पर जो वन का एक आवरण लगातार घटता जा रहा है, उसके तरफ हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। और सरकारों की तरफ से भी लगातार इसकी एक कहीं न कहीं से लापरवाही की जाती है कि हम पेड़ लगा देते हैं, वृक्षारोपण कर देते हैं, लेकिन ये केवल हम कागजी कार्रवाई करते हैं। उस तरह की कोई भी हमारी वन के प्रति जिम्मेदारी नहीं रहती है कि वन को हम सुरक्षित रख सके, वन के लिए हम कोई ऐसा कानून बना सके कि अगर वन क्षेत्र में अगर एक किसी ने एक पेड़ काटा तो उसको 10 लगाने पड़ेंगे। और ये जब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी, जन सहभागिता से लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, और सरकार की भी एक जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि वन को लगाना ही नहीं बल्कि बचाना भी होगा, तब तक हम अपने इस अभियान को सफल नहीं बना पाएंगे। निश्चित रूप से धर्मेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिस तरह से गर्मी के मौसम में जो टेम्परेचर हर बार 1 या 2 डिग्री बढ़ता जा रहा है, ये भी कहा गया है, जहां पर हम पढ़ने में आता है, सूत्र बताते हैं कि अगली बार गर्मी में और 2 डिग्री का इजाफा होगा। इसका स्पष्ट कारण यही है कि ना ही हम पर्यावरण के प्रति सचेत हैं, और ना ही सिर्फ सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें आम जन की भी सहभागिता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आम जन सिर्फ अपनी ही दुनिया में गुम है, उन्हें पर्यावरण बचाने के लिए विशेष रूप से प्रयास करने होंगे। और जिस तरह से आज विश्व पर्यावरण दिवस है और नमामि गंगे अभियान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी शुरुआत कर रहे हैं, 16 जून तक चलेगा। धर्मेंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज उनके इस अभियान में कितना बड़ा ये अभियान है, कितने लोग इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे, सीएम के साथ कौन कौन आज नमामि गंगे अभियान में शिरकत करेगा? जी, इसमें जो पर्यावरण मंत्री हैं, उसमें पर्यावरण मंत्री के रूप में भी जो हमारे उस मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, और मुख्यमंत्री के साथ में कई सारे जो ऐसे संगठन हैं, एनजीओज हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और आज जो गोमती, अरे बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है झीरी बहेड़ा, वहां से इस अभियान की शुरुआत होगी, और वहां साफ सफाई के साथ साथ जल संरक्षण को लेकर भी कार्ययोजना पर काम किया जाएगा। और इस तरह की अलग अलग कार्ययोजनाएं पूरे मध्य प्रदेश में बनी हुई हैं, और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह का पूरा जो अभियान है, ये करीब ये 16 जून तक चलेगा। और इस अभियान में जिलों के विधायक, सांसद और जो भी स्थानीय मंत्री होंगे वो भी उसमें शिरकत करेंगे, और उसको लेकर हर पूरे प्रदेश में इस तरह का एक जन जागरूकता अभियान, जल अभियान, और पूरी तरीके से जल संरक्षण को देखते हुए इस तरह का अभियान
इसमें रखा जाएगा, क्योंकि लगातार जो लोगों के भीतर जो इस तरह की जागरूकता है उसका अभाव हो रहा है और जो हमारे जल स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि जल एक ऐसी चीज है कि जल है तो कल है, अगर जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल बात सही है क्योंकि दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं, बेंगलोर और चेन्नई, जहां पर भूमिगत जल में जो पीने योग्य जल है वो उसकी समाप्ति हो चुकी है, तो अगर समय से नहीं चेते तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। तो इसीलिए सरकार ने भी इस अभियान को एक जन सामान्य के स्तर पे लाके और उसको एक जन सहभागिता देने का प्रयास किया है और जिससे कि हम अपने जल को बचा सके। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि आज नमामि गंगे अभियान शुरू होने जा रहा है जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री करेंगे और आपको बता दें यह अभियान जल संरक्षण संवर्धन अभियान विशेष रूप से चलाया जाएगा जिसमें जल निधियों को बचाने की बात की जाएगी और इसमें आम जन के सहयोग की भी अपेक्षा की जाएगी। 16 जून तक यह अभियान चलाया जाएगा।